साथ और हम पहुंचे हैं जवाहर कॉलोनी। आपको बता दें, एक बहुत बड़ा हादसा होने से टला, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया, पर कोई जान हानि नहीं हुई है। और आपको बता दें कि एक घर का जो छज्जा है वो गिर गया, जिसके गिरने से पूरी गाड़ी जो है आप देख सकते हैं। भाऊ जी, कैसे हो गए ये? अभी बताते हैं आपको, दो मिनट। ये गाड़ी देख रहे हैं आप, पूरी गाड़ी खत्म हो गई किस तरह से, ये देख सकते हैं। इस पर अभी भी आपको नजर आएंगे, ये पूरी गाड़ी जो है वो डैमेज हो गई छज्जा गिरने से, और जिसकी वजह से जब ये छज्जा तारों पर गिरा तो ये जो पोल है, बिजली का पोल है, वो भी टूट गया। और यहाँ जो बिजली दफ्तर से बिजली छज्जे पे गिरा है, खंबा गिरा बाबू जी, खंबा गिरा है ये सब। अच्छा, खंबा गिरने से छज्जे पे गिरा, छज्जा फिर टूट के नीचे आया है। हाँ जी, जिससे ये नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है हमारा बाबूजी, बहुत नुकसान हो सकता था, कोई जान आने। हाँ बिल्कुल, हो सकती थी। तो ठाकुर जी बाबा जी की बहुत मेहर रही है, किसी के, हमारे बच्चे की या कोई अन्य आदमी की नुकसान नहीं। बिल्कुल, अभी वो बाबूजी थे वहाँ, वो बता रहे थे, शायद घर से ही थे। हाँ जी बाबूजी, वो बता रहे थे कि जी हम जाने वाले थे सब लोग, पर वो अच्छा हुआ कि नहीं। हम गुरुद्वारे जाने लगे थे मत्था टेकने, तो हम जैसे ही निकलने लगे ये हादसा हुआ है हमारे साथ। क्या नाम सर? मेरा नाम भगत सिंह। भगत सिंह जी, क्या खंबा पहले से ही कोई टूटा था या क्या था कुछ? अभी इसका कुछ हमें ये ज्ञान नहीं है। वो देखो खंबे की वीडियो, देखो आप वीडियो, देखो खंबे की वीडियो देखो आप। बिल्कुल दिखाएंगे, और आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान। और ऐसा ही हमने आपको दिखाया, एक डबुआ सब्जी मंडी के गेट पर भी खंबा दिखाया था, जो जहाँ ट्रांसफार्मर था वो पहले ट्रांसफार्मर गिर गया, उसके बावजूद भी वो नाले के अंदर वैसा ही खड़ा है, और आज तक भी वो हटाया नहीं गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इतना नुकसान। और नुकसान क्या, आप शुक्र मनाएं कि जो कोई जानहानि नहीं हुई, नहीं तो आप देखें गाड़ी जो है वो पूरी तरह से खत्म, ये देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई, गाड़ी की छत है, और ये देखें टायर भी इसके फट गए, और ये देखिए किस तरह से पूरी गाड़ी खत्म हो गई है, ये देख सकते हैं बिल्कुल। और आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, ये देखें।